हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग जी। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सैटरडे मॉर्निंग से। तो जी आज डेट है हमारी 28 जनवरी और सुबह के बज रहे हैं 8 और डुगू चला गया है स्कूल और कार्तिक की आज छुट्टी है। तो बस उठने के बाद वही रहता है कि काम, जैसे जैसे दिन निकलने लगता है तो वैसे वैसे लगता है कि बस अब जल्दी जल्दी से मेरे काम होते चले। तो यहाँ पर मैं मंदिर से आ गई थी अभी, और मंदिर से आने के बाद मैंने बच्चों को नाश्ता वगैरह दे दिया था। और यहाँ मैं डुगू के टिफ़िन के लिए आज बना रही हूँ सिंपल प्लेन परौठी, और नाश्ता दे दिया था, बच्चे चाय ब्रेड वगैरह ले रहे थे, तो आज एक प्लेन परौठी बनानी है। और कार्तिक को नहीं जाना स्कूल, तो हमारे दिन की शुरुआत ही ऐसे होती है कि मेरी तो बस उठो और किचन में। तो किचन का सबसे पहले ये रहता है कि ना, तो हम सारी हाउसवाइफ की सबसे पहले की मतलब सबसे पहली प्रॉब्लम दिन निकले से यही स्टार्ट होती है कि हम क्या बनाएं खाने में और लंच में ब्रेकफास्ट में। तो सबसे पहले खाना बनाने से पहले उससे पहले की एक और प्रॉब्लम होती है कि हमारा किचन कैसा है। हमने अपना किचन रात को हम कैसा करके छोड़ते हैं, साफ़ छोड़ते हैं, गंदा छोड़ते हैं। तो ये हमारी कुछ हैबिट्स हैं या ट्रिक्स, मान लो आप हैबिट्स में इसको शामिल करो। तो हमारी ये हैबिट्स हैं कि हमें अपना किचन को रात को ही अगर हम पूरा नीट एंड क्लीन करके सोते हैं और बिल्कुल साफ़ सफाई, बर्तन वगैरह को सब मांझ मूंझ कर सोएंगे, तो हमारे लिए ना आप काम हमारा इतना हल्का हो जाएगा ना, आप सोच नहीं सकते। अगर कुछ जैसे कि तबीयत ख़राब है या कुछ हम रात को लेट हो गए हैं कहीं से आने में, तो बात और है। अदरवाइज़ अगर हम घर में रहते हैं तो हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम अपने घर के कामों को बिल्कुल, खासकर किचन से लेके किचन के क्या मतलब कि घर के भी सारे। तो हमारे लेडीज़ का क्या होता है कि कोई भी हमारे घर में आता है तो सबसे पहले हमारा घर यही देखता है कि हम कितना ऑर्गेनाइज हमने कर रखा है अपना घर। हमारी सुंदरता हमारे लिए नहीं होती कि हमारा चेहरा कितना सुंदर है कितना नहीं है, उससे कई गुना अच्छा ज़्यादा होता है कि हमारा, हमने अपना घर कितना मेंटेन कर रखा है। एक हाउसवाइफ के लिए कि एक औरत की पहचान उसके घर से होती है कि आपने अपने घर को कैसे मैनेज कर रखा है, कितने साफ़ सफाई से रख रखा है, कितना आप मेंटेन करके रखते हैं अपनी हर चीज़ों को। तो आज का वीडियो थोड़ा सा इसी टॉपिक पे है। तो जी बच्चे वगैरह चले गए थे और हम लोगों ने भी नाश्ता वगैरह कर लिया था। तो जब सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो वही रहता है यार, चाय मिल जाए फिर इसके बाद हम कुछ भी काम करवाते रहो, हमारे से फिर कोई वो नहीं है। तो मेरा तो देखिए यही है कि पहले मैं एक बार चाय ले लेती हूँ, और चाय के साथ कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं खाती, या तो एक ब्रेड ले लेती हूँ या बिस्किट वगैरह कुछ भी ले लेती हूँ। तो वो सब लेने के बाद फिर मैं आई थी अब यहाँ किचन में, कपड़े मेरे लग गए थे, बच्चे स्कूल चला गया एक छोटे वाला और बड़े वाला पढ़ रहा है, वो नहा धो रहा था। तो अब मैं लगी हूँ यहाँ पर अपने खाने की तैयारी में। तो मेरी काम की स्टार्टिंग ना किचन से ही होती है, जैसे कि मैंने पहले भी बता रखा है। तो किचन से स्टार्ट करने से काम हमारे बहुत हल्के हो जाते हैं। तो क्या होता है, सबसे पहले मैं एक बार काउंटर टॉप मतलब गैस को साफ़ करती हूँ जब नाश्ता वगैरह मेरा बन जाता है। तो क्या होता है उसके बाद ना, मेरे को दोबारा इतना टेंशन नहीं होती कि मुझे दोबारा साफ़ करनी पड़ेगी, और वो भी ढंग से। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बनाऊँगी सब्जी, सब्जी का काम निपटाऊँगी, आटे का काम निपटाऊँगी। तो मेरे ये दो काम हो जाते हैं ना, तो आप यकीन मानिए मेरे को ऐसे लगता है कि हाय मैंने कितना अपना किचन का काम निपटा रखा है। मेरे दोपहर के खाने की मतलब तैयारी जो हो जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा मेरे को अपना काम हल्का लगने लगता है। आप लोग भी अगर ऐसे ट्राई करोगे, मतलब दोपहर का सिस्टम मत रखो, खाना वगैरह तैयार करके रख दो। जैसे दाल बनानी है तो दाल बॉईल करके रख लो, तड़का दोपहर में लगा लो। और सब्जी वगैरह बनानी है, सब्जी मैं बना लेती हूँ 9:30-10 तक सब्जी मेरी बन जाती है। तो बर्तन वगैरह क्या होता है, सुबह के टाइम जब खाना पूरा रेडी हो जाता है, आटे का डो लगा के रख लेती हूँ, सब्जी वगैरह, तो ये सारे बर्तन मेरे खाली हो जाते हैं। और फिर मेरा क्या होता है कि जब बर्तन खाली होते हैं तो फिर मैं सारे बर्तनों को सिंक में इकट्ठा करके और पूरे बर्तन मांज देती हूँ। और फिर इससे ये रहता है कि मतलब सुबह नाश्ते के और जो दोपहर के भी आधे से ज़्यादा बर्तन मेरे हो जाते हैं साफ। और देखिए ये काम होने से ना बहुत मतलब कि आधे से ज़्यादा टेंशन ये होती है कि बस किचन का निपटा ना, तो समझो बहुत सारे काम निपटे। और अब मैं यहाँ पे लगा लूँगी साथ के साथ, जैसे कि मैं बता रही हूँ सब्जी और आटा मैं रेडी करके रख लेती हूँ रोज़ाना ही काफ़ी हद तक। और जैसे राइस वगैरह बनाने हैं तो फिर मैं वो पूरे घर की क्लीनिंग वगैरह करने के बाद ही बनाती हूँ, क्योंकि राइस गर्म गर्म रहते हैं ना, इस वजह से। तो यहाँ पर मैं आटे का डो रेडी कर रही हूँ, और आज मैं बना रही हूँ आलू पालक की सब्ज़ी। तो कल मैं मार्केट से पालक लेकर आई थी, तो क्या वो सर्दियाँ चल रही हैं तो थोड़े बहुत हरी सब्ज़ियाँ भी खानी चाहिए। बच्चे तो मेरे खा के राज़ी होते नहीं हैं, मगर मेरी कोशिश रहती है कि कुछ ना कुछ मैं ऐसा बनाती रहूँ कि थोड़ा बहुत तो कुछ बच्चों के मुंह जाए। हरी सब्ज़ियाँ बहुत ज़रूरी हैं,
न्यूट्रिशंस के लिए, मतलब हमारे बच्चे खा के राजी नहीं होते, बस यही प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे मैंने अभी इसमें मेरे टमाटर गल रहे थे, तो जब तक मैंने सोचा चलो एक हाथ लगे हुए मैं आटे का डो लगा लेती हूँ। तो जब किचन में होती हूँ या मैं कुछ भी सुबह के टाइम, मेरे मतलब एक हाथ की जगह, जैसे वो कहते हैं ना माता रानी के कितने सारे हाथ हो जाते हैं, तो वैसी वाली कुछ मेरी कंडीशन होती है। तो मेरे को लगता है चलो किचन का भी निपटा लो, छज्जे पे कपड़े भी धो लो, और घर के बहुत सारे काम होते हैं ना कि इधर भी कर लो उधर भी कर लो, तो कोशिश मेरी ये रहती है अपने घर के सारे कामों को जल्दी जल्दी निपटाने की। और ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी उल्टे सीधे, ढंग से फुल मैनेज करके मतलब सारी चीज़ें। तो किचन का सबसे पहला वो था जो मैंने बताया, दो ट्रिक तो ये अजमा लो, आपका घर काम भी बहुत हल्का रहेगा और मतलब किचन भी पूरा दिन साफ़ सुथरा रहेगा। तो यहाँ ये सब्जी बनेगी, फिर मैं इसके बाद अपना पूरा काउंटर टॉप को अच्छे से सर्फ वाले जूने से साफ़ कर लूँगी और एक एक कोने से कूड़ा निकाल लूँगी, कि मतलब कि फिर पूरा दिन ये टेंशन नहीं रहेगी कि इधर से भी अगर गंद दिख रहा है। और जितना भी फैला हुआ सामान है, जैसे हम बहुत चीज़ें होती हैं, हम डिब्बे कहीं से उठाते हैं तो रह जाते हैं कि कहीं जैसे चीनी का डिब्बा कहीं से लिया, नमक का डिब्बा कहीं से लिया, तो उन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से जहाँ जहाँ रखी जाती है मैं सबको पोछ पोछ कर उसी जगह रख दूँगी। तो फिर ऑर्गेनाइज रखता है फिर उसके बाद किचन, सारी चीज़ें जब ऐसे सेट हो जाती है ना, तो सब्जी वगैरह भी बनने के बाद, तो फिर अपने आप को ही लगता है कि नहीं भाई घर में कोई भी रिश्तेदार आ जाए, गेस्ट आ जाए, घर हमारा पूरा साफ़ सुथरा है और कोई टेंशन भी नहीं रहती। तो सुबह के टाइम थोड़ा सा टाइम लगता है घर को मैनेज करने में। और यहाँ पे देखिए मेरी सब्जी आटा हो गई थी और ये महाराज जी आ गए थे चाय ले पीने के लिए। तो आज इसकी छुट्टी है, सैटरडे था, तो जब तक मैंने सोचा चलो बर्तन वगैरह मैं साफ़ कर लेती हूँ, और उधर इसकी बन रही थी चाय, तो बस ये आके खड़ा हो जाता है किचन में और इसकी तो बस चलती ही रहती है, ऐसे कर दो ऐसे कर दो, कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। तो यहाँ पे अब लगे हाथ में सारे इन बर्तनों को भी साफ़ कर दूंगी। तो हमारा ये नीचे से दूध लेकर आने की बात चल रही थी, मैं इसको बोल रही थी नीचे से दूध ले आ दूध ले आ, तो ये सुन नहीं रहा था, बस इसकी यही बातें रहती हैं, अपनी बात करता रहता है, काम मेरा बिल्कुल नहीं सुनता। तो ये बच्चों की ना कुछ आदत बन गई है कि काम ना सुनने की। तो यहाँ पे देखिए मेरे सारे बर्तन वगैरह धुल चुके हैं और अब मैं कर लूँगी अपनी शेल्फ पूरी अच्छे तरीके से क्लीन। तो काउंटर टॉप पर ये थोड़ा सामने का मैंने शीशा वगैरह रख रखा है, इस पर ना मेरे सारे जितने भी जो मेरे डेली यूज़ के 3-4 डिब्बे हैं उनको मैं बाहर ही रखती हूँ, तो मेरे को ड्रॉर वगैरह खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अदरवाइज़ क्या हो, रोज़ कैबिनेट वगैरह खोलो तो फिर वही गंदे हाथ लगते हैं। तो इस वजह से मैंने अपने तीनों डिब्बे ना बाहर ही रख रखे हैं, नमक के, चीनी, चाय पत्ती और घी के दोनों, मतलब ऑलिव ऑयल के भी और देसी घी का भी। तो यहाँ पे हमारा दूध आ ही गया था, इसको बोल के मैं भेजा था नीचे, मैंने कहा दूध लेकर आई हो, तो ये दूध ले आया था। और देखिए उधर सब्जी भी बनके हमारी काफ़ी हद तक रेडी हो गई है। तो अब मैं दूध को भी साथ के साथ बॉईल कर लेती हूँ। तो मेरी आदत यही रहती है, दूध को मैं मॉर्निंग में बॉईल करती हूँ। क्या होता है जब सुबह दिन में दूध उबल जाता है ना, मेरा एक दिन एडवांस दूध चलता है, तो रात तक नेक्स्ट डे तक इस वाले भगोने में अच्छे से मलाई आ जाएगी, जब फ्रिज में रखेंगे ना उबाल के ठंडा हो जाएगा। और अदरवाइज़ क्या होता है अगर दूध को छेड़ दो ना, फिर मलाई हमारी सही नहीं पड़ती। तो एक ये भी हैबिट बना लो कि दूध को सुबह मतलब एडवांस चलाओगे ना, तो मलाई अच्छी तरीके से पड़ेगी, और पूरा दिन और रात ये रख के छोड़ोगे ना दूध को, तो मलाई बहुत अच्छी गाढ़ी बनेगी। तो यहाँ पे देखिए मेरा दूध भी बॉईल हो गया और किचन का मेरा काफ़ी हद तक काम पूरा निपट चुका है। ये चाय की फ्राई रह गई थी, तो मैं इसको भी पूरा साफ़ कर दूँगी। और आखिरी पॉइंट आता है हमारा, फोर्थ या फिफ्थ पॉइंट आई थिंक, ये सिंक साफ़ करने का। तो मेरी कोशिश यही रहती है, जितनी बार भी मेरे बर्तन होते हैं ना फ्रेंड्स, मैं उतनी बार साफ़ करती रहती हूँ, सिंक में बर्तन नहीं होने देती हूँ। तो क्या होता है ना, सिंक में अगर बर्तन ढेर हो गए तो समझ लो कि पूरा किचन गंदा लगेगा, और जहाँ बर्तन रखे हुए हैं या फैलारे मचे हुए हैं वो तो फिर तो वही रहता है मेरे को कि बर्तन धुलते हैं सूखते हैं। तो यहाँ टोकरे को मैंने यहाँ रख दिया और सिंक को भी देखिए अब आपके सामने मैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर लूँगी। तो जी ये था मेरा छोटा सा वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो जाते जाते चैनल को सब